सामाजिक न्याय का मुद्दा। आजकल क्या है, रिजर्वेशन में 50% का कैप लगा रखा है, आप जानते हो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देश में दिया नहीं जा सकता। अब किसी को नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में किस वर्ग की कितनी आबादी है। अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आदिवासी वर्ग हैं, दलित लोग हैं, अगर मैं आपसे पूछूं भैया मुझे बताओ इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, यहां पे कोई जवाब नहीं दे सकता। दे सकता है बताओ कितने लोग हैं पिछड़े वर्ग के? देखो आंकड़ा नहीं किसी को मालूम। मैं आदिवासी का पूछूं, दलित का पूछूं, जनरल कास्ट का पूछूं, किसी को कुछ नहीं मालूम। अब आप मुझे बताइए, कहा जाता है कि देश में 8% आदिवासी है, 15% दलित है, 8 और 15 कितना हुआ 23। कहा जाता है 50% ओबीसी वर्ग है, कितना हुआ 73 हो गया। अब 73% आबादी है तो 50% लिमिट क्यों है? बात समझ आई? आबादी 75% की है, अब वो भी पक्का नहीं मालूम, हो सकता है 55% निकल आए ओबीसी का, हो सकता है आदिवासी ज्यादा हो, ये किसी को नहीं मालूम। तो सबसे पहला काम, अगर हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो यह पता लगाना है कौन से वर्ग के कितने लोग हैं और किसके पास कितना धन है। सही बात, आदिवासी 8% है, देश का कितना धन उनके हाथों में है? पिछड़े लोग 50% है, देश का कितना धन उनके हाथों में है? यह सबसे बड़ा देश के सामने सवाल है।